केस विथड्रॉ कर लिया है? यस। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर जाफरी? आई एम श्योर देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं सुधा, ये सच है। अचानक मिस्टर नंदा ने अपना माइंड बदल दिया? वो तो ऊपर वाला ही जाने कि उसने उसका माइंड चेंज क्यों किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। What? हाँ सुधा, मुझे पता है कि अर्णव बहुत ही श्रूर आदमी है, मगर वो शायद अब फ्रेंडशिप रिलेशनशिप को समझ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। तुम भी ये छोटी छोटी शिकायतें, छोटे छोटे मुद्दे को भूल जाओ और अपनी फ्रेंडशिप को रीडिस्कवर करो। हम तो यही चाहते हैं कि तुम दोनों पहले की तरह हंसती रहो, खुश रहो। देखो सुधा, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता है, दरारें और बढ़ जाती हैं। वे इसको एक अच्छा मौका समझकर मिस्टर नंदा कब आएंगे? मुझे पता नहीं। चलो, ऊपर नहीं चलोगे? Not today. क्यों? क्या हुआ? अब तो मैंने केस भी विड्रॉ कर लिया है, अपने दिल का हाल तुम्हारे सामने रख दिया है, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड सुधा भी है ना? सुधा? Yeah, I don't lie, okay? ऐसी कोई बात नहीं है कामया। वैसे तुम झूठ बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। I swear ये सच है। उस दिन मैं ऑफिस आई थी, उस वक्त तुम्हारे कसमें वादे चल रहे थे। You know, I can make out when something is happening. ये कब की बात कर रही हो? तुम्हें अच्छे तरीके से पता, और तुम्हें ये भी पता है कि मैं वहां पर थी, इसीलिए मुझे जलाने के लिए सब नाटक कर रहे थे। Yeah, of course, yes. कामया, तुम्हारी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता है। But I'll tell you something. तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अर्णव, ये दूरी हमें और भी नजदीक ले आई है। And thank God, तुम सुधा की इनोसेंस के विक्टिम नहीं बने। विक्टिम? Yeah. सीधी सादी सी इनोसेंस की शक्ल बना के पता नहीं कितने लोगों को बेवकूफ बनाती है। मिस्टर नंदा, हाउ कुड यू विथड्रॉ द केस, जबकि आपको मालूम है कि हमारी कितनी मेहनत लगी है इस केस के पीछे। आवर कंपनीज रेपुटेशन इज एट स्टेक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इनफ इनफ सुधा, पर आइंदा इसी ऊंची आवाज में बात मत करना मुझसे। ये मत भूलो कि यहां पे डिसीजन लेना मेरा काम है और तुम्हारा काम सिर्फ उस पर अमल करना है। तुम्हें बताने या पूछने की जरूरत महसूस नहीं करता मैं, समझी? क्योंकि मैं यहां का मालिक हूं और तुम नौकर। यस, नौकर तुम। एग्जैक्टली और मैंने जो कुछ भी किया इस कंपनी की भलाई के लिए किया है। कामिया ने इस कंपनी के साथ जो धोखा किया, जो नुकसान होने वाला इस कंपनी का, उसका क्या होगा? अरे तुम्हारा काम सोचना नहीं है सुधा, सिर्फ काम करो तुम। अग्रीड। और इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत काम किया है, मेरा बराबर का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस प्रोजेक्ट में। आई नीड टू नो व्हाई यू आर डूइंग दिस। यही तो गलती कर दी ना मैंने, कुछ ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया मैंने तुम्हें अपने काम में। अरे मैंने सोचा था कि तुम एक गरीब लड़की हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तुम, मैं काम दे दूंगा तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी, मगर तुमने तो कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया इसका। सुधा, मेरे एहसान का ये मतलब मत निकालो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। कामिया के भाई या और लोगों की तरह तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। इस प्रोजेक्ट को सीढ़ी बनाकर तुम मुझ तक जो पहुंचना चाहती हो ना, ये कभी नहीं हो सकता। और इस बात को लिखकर रख लो अपने पास। कहां जा रही हो? Where are you going now? नए कैंपेन की प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए मुझे, एंड आई वांट द रिपोर्ट इमीडिएटली ऑन माय टेबल।
Hey, Molly, cool dude, man! हम कौन हैं? Hey, बेवकूफ माली हमको नहीं पहचानता। मनोज बाबू। Don't call me Manoj Babu. Call me Manu, man, Manu. Okay, now take this stuff upstairs, okay? And do one thing. Cook me some nice lunch, okay? Nothing too heavy. Make it light, okay? And a lot of Indian spices and good stuff. Nice kurti, man. Hey, Manoj. Don't call me Manoj. Call me Manu. Hey. नमस्ते अंकल। आप घर पे थे मैं। आ इनके लिए भी खाना लगाना। अच्छा शेखर कैसा है? एकदम फिट। अब तो आप बस शादी के कार्ड छपाइए और शहनाई बजाइए। मैं बहुरानी काम्या को फोन करके आता हूँ। मनोज नहीं, काम्या को फोन मत करो। अरे कमाल है अंकल, मैं शेखर का समझ सकता हूँ कि वो काम्या को फोन नहीं करेगा, सीधे जाके उसे मिलेगा, सरप्राइज देगा। मैं तो फोन कर सकता हूँ। मनोज मुझे लगता है अब ये शादी नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी, शेखर क्या उसका बाप भी करेगा? सॉरी, मैं शेखर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कामिया, कामिया किसी और को चाहने लगी है। व्हाट, ये कैसे? उस अंकल आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। आई मीन मैंने उन्हें देखा है, कामिया को शेखर के अलावा। इट्स नॉट पॉसिबल अंकल। आई होप सो टू। मैं उसने सारी ऑफिस के सामने चिल्लाया मेरे पे, सबके सामने जलील कर दिया मुझे, कहा कि आज तक वो मुझ पे रहम खा रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने मेहनत की, अपने टैलेंट की कमाई खा रही हूं, लेकिन नहीं, अर्नब नंदा के हिसाब से तो वो मुझे खैरात दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई भीख दे रहा है मुझे। और पता है ना उसने और क्या कहा? कहा कि मैंने उसके साथ प्यार का खेल खेला है, मेरे पास सिर्फ मेरी खुददारी थी और आज उसने मेरी वो खुददारी को भी गा दी थी। मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन ऐसे हजार नहीं सह सकती हूँ माँ। सुधा जो हो गया सो हो गया, तुमने वो नौकरी छोड़ दी है ना, किस्सा खत्म। इंसान तो भगवान पर भी लगते हैं, हम तो जब से तुमने वहां जाना शुरू किया कोई ना कोई मुसीबत ही आती रही। तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त तुमसे दूर चली गई। माँ उसका तो नाम भी मत लेना तुम मेरे सामने। आज जो कुछ हो रहा है ना सब उसी की वजह से हो रहा है। अरे तुम, और नहीं तो क्या, अच्छे खासे लोग यकायक बदल जाते हैं। करण जो मुझसे इतना प्यार करता था, आज वो अर्नब नंदा ने कहा था कि हम इस केस को कोर्ट जरूर ले जाएंगे, आज उसने सडनली केस विथड्रॉ कर दिया। उसने सबको ब्रेन वॉश कर दिया है। कामया ऐसा क्यों करेगी? माँ मुझे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अर्णव उसकी बात क्यों मानेगा? माँ तो काव्या को नहीं जानती, वो बहला फुसला के किसी के पास कुछ भी करवा सकती है। करण के साथ भी तो उसने वही किया। आज काव्या की वजह से ही करण और मेरे बीच में दरार पैदा हुई है। हेलो, मैं कामिया से मिलने आया। जी वो तो घर पे नहीं है। आप? मैं मलिक, दरअसल कामिया मेरे ही ऑफिस में काम करती है। यस ऑफ कोर्स, आइए ना। थैंक यू। इनफैक्ट कामिया जल्दी आ जाती है इस वक्त तक। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टुडे। बैठिए ना। थैंक यू। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं, इट्स ओके। मैं बस थोड़ी देर इंतजार करके देखता हूँ, शी इज बैक, इट्स ओके। और एल्स, वैसे आप? जी मैं करण, कामिया इज माय यंगर सिस्टर। ओह, it's so nice to meet you, Mr. Karan. I must tell you, Kamya is simply brilliant. She is fabulous. हमारी कंपनी की तो asset है वो। कभी कभी तो मैं ही दंग रह जाता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ। और पता आपको उसकी speciality क्या है? कितनी भी बड़ी problem हो कभी परेशान नहीं होती है। Believe me when I say this. अब जैसे अर्नब नंदा ने जो problems create किए थे बीच में, इस तरह handle कर लिया उसने जैसे उसे 25 सालों का experience हो। अच्छा, are you sure आप कुछ लेंगे नहीं? I'm absolutely sure. It's perfectly okay, Mr. Karan.
और दूसरी तरफ उसकी दोस्त सुधा, पता नहीं उसे क्या हो गया, पागलों से हरकतें करने लगी है वो। आई टेल यू शी इज फिनिश्ड, उसने अपने करियर को बर्बाद कर लिया और अर्णव नंदा उसे इंप्रेस करने के लिए गलत कदम उठाए जा रहा है। वैसे करण उनकी गलती नहीं है, उनके उम्र की गलती है। इश्क में इंसान क्या नहीं कर बैठता। नहीं मिस मलिक, फिर जस्ट एक्सक्यूज मी प्लीज। कामया। ओह हाय मिस मलिक। हाय कामया, हैव यू बीन? आई एम फाइन, बेटर नाउ, थैंक यू। प्लीज, एक बहुत ही गुड न्यूज था कामया, मैंने सोचा पर्सनली तुम्हें मिलकर बताता चलूं। क्या हुआ कामया? मुझे ये नहीं पता तुमने क्या किया, कैसे कर दिया, but the end result is fabulous. Arnav Nanda ne case withdraw kar liya. Yes. Thank you for everything, Kamya. And congratulations. Kya hua, tum khush nahi lag rahi? Nahi, nahi. Shayad thaki hui. Well, I think you must rest now, Kamya. So sleep well, we'll catch up tomorrow. Yeah. Take care, good night. Good night. Bye. अच्छा, तो तुमने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया है? तो कर्नल, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? हाँ नहीं, मैं तुम्हें, अरे भाई, मान लिया कि हम संबंधी होने जा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। मतलब? मतलब ये कि अकेले अकेले ड्रिंक ले रहा है, ये भी नहीं कि फोन करके बुला लेता मुझे। हाँ, अरे मेरी बेटी की भी शादी हो रही है, भूल गया? साथ बैठकर जश्न मनाते यार। अच्छा वो बता क्या ख्याल? छोड़ यार, तू भी, मजाक कर रहा हूं मैं, तू तो ठहरा लड़के वाला। मैं लड़की का बाप हूं, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की, काम बहुत है, इसीलिए सोच रहा था कि हमें कम से कम शादी की तारीख तो पक्की कर लेनी चाहिए, वरना एन मौके पर रिसेप्शन हॉल वगैरह बुक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, और तू तो जानता है कि शादी का सीजन आने वाला है। इतनी जल्दी क्या है करना? बस सिर्फ तू समझता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, डेट छोड़, कम से कम ये तो तय कर ले कि कौन से महीने में शादी होगी। कर्नल मुझे लगता है हमें शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, एक बार डेट फिक्स हो जाएगी। मैं डेट की नहीं, इस रिश्ते की बात कर रहा हूँ कर्नल। क्या तुमने कामिया को शेखर के बारे में बताया? ऑफ कोर्स नॉट, तूने ही तो मुझे मना किया था, और वैसे भी अच्छा यही होगा कि शेखर खुद उसे सरप्राइज दे। नहीं कर्नल। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे यकीन हो गया है कि अब कामया शेखर से शादी करना नहीं चाहती। क्या पक रहा है यार? मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल, कामया और क्या नाम है उसका, क्या वो जॉब करती थी, अर्णव नंदा, वो दोनों आजकल बस बस बस। सुधा चाय? हाँ मान लेती हूँ अभी। सुधा मैं सोच रही थी कि ताऊजी को फोन करूं। किस लिए? देख बेटा, अब तुम्हारी नौकरी नहीं रही, और फिर दूसरी नौकरी मिलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, फिर हर महीने कर्जा और ब्याज भी देना है, तो मैं सोच रही थी कि उनसे थोड़ी मदद मांगी जाए, उन्होंने कहा भी तो था। माँ भूल गई हमने क्या तय किया था,
कि हम अपना बोझ किसी पर नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन उस समय तुम्हारी नौकरी थी। तो क्या हुआ माँ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मिस्टर नंदा ने मुझे दो चेक्स दिए जो मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिए हैं। हो सकता है उसमें से दूसरा चेक मुझे लौटाना पड़े क्योंकि वो एडवांस चेक है, लेकिन पहला चेक तो मेरी मेहनत की कमाई का है, तो फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, क्या बात है रेनू? माँ, फोन था। किसका? बैंक से, मैनेजर का। वो कह रहे थे हमारे दोनों चेक्स बाउंस हो गए हैं। क्या? हाँ, अर्नब नंदा ने पेमेंट स्टॉप करने के ऑर्डर्स दिए हैं। व्हाट? हे भगवान, जब वक्त खराब चलता है ना तो हर चीज बिगड़ती जाती है। जब से तुम्हारे बाबूजी चल बसे हैं, इस घर की जैसे शांति ही चली गई है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पूजा पाठ होना चाहिए, ग्रहों की शांति होनी चाहिए, तभी। अब तू क्या सोच रही है? देख सुधा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक मैं कामिया को सबक नहीं सिखाऊंगी ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये वक्त वगैरह कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। अब कामिया वो अर्नब नंदा के कंधे पर से बंदूक चला रही है, चलाने दो उसे। उसे उसके किए का पूरा पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा, और मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। Don't tell me. फिर क्या हुआ? फिर क्या? मुझ पे चीखने लगी वो। फिर क्या? मैंने उसके उसकी जगह दिखा दी। मतलब मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम यहाँ पर एक नौकर हो। गुस्सा हो गई वो। Come on, she might have not expected this, yeah. कामिया, सुधा को पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा था कि वो यहाँ की बॉस है। वो सोचती थी कि अगर वो बोलेगी उठो तो मैं उठ जाऊंगा, बैठो तो मैं बैठ जाऊंगा। उससे कह दिया मैंने साफ साफ कि तुम्हारा प्यार व्यार का चक्कर यहाँ मेरे पास नहीं चलेगा। पैर पटकते हुए बाहर चलेगी ऑफिस के। हेलो हेलो कामिया, कामिया सुन रही हो ना तुम? हाँ, नहीं मैं ये सोच रही थी कि अब बहुत ज्यादा नहीं हो गया? आई मीन इतना रूड होने की क्या जरूरत है? अगर कामिया, कम ऑन, अब वो एक्सपोज तो हो गई है ना। अब हम उसके साथ वही बिहेवियर करेंगे जैसे उसने हमारे साथ किया, तो उसमें हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? एक्चुअली यू आर राइट कामिया, मैं ऐसा करता हूँ, उसे ऑफिस बुला लूंगा, अच्छे से डिस्कस करके उसे समझाऊंगा और बाद में नोटिस दे दूंगा। कम ऑन अर्नब, इसकी भी क्या जरूरत है? उसकी पोल तो खुल गई है, शी नोज़ वेयर शी स्टैंड्स। एनीवे लिसन, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा हम सुधा के बारे में कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं? हाँ कामिया, सुधा को छोड़ो, चलो आज खाना खाने कहीं बाहर चलते हैं। एक्चुअली अर्नब, क्या तुम्हें आज का दिन ही मिला था? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, मुझे हल्का सा बुखार हो रहा है। कामिया, यू आर नॉट फीलिंग वेल, मैं घर आ जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। ओके फाइन, यू टेक रेस्ट। हाँ, किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया? अर्नब, हल्का सा बुखार है, इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कामिया, अपनों के लिए परेशान होना बिल्कुल नेचुरल बात है, और फिर तुम तो स्वीट हार्ट। See you, yeah. Bye. Bye.